उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान हुआ है और मतदान के बाद कांग्रेस नेता गोदियाल ने मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में की गई टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस सरकार ने सोने के दाम को आम लोगों की पहुंच से दूर पहुंचाया वो मंगलसूत्र के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बयान के साथ साथ ज्यादा बच्चों को लेकर भी बयान दिया जो कि शर्मनाक है। कांग्रेस नेता गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए तो जनता स्थानीय मुद्दों को सुनना चाहती थी लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बात नहीं की। गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनको अपने बच्चों की शादी की चिंता होती है वो सोना महंगा होने से चिंता में है लेकिन जिसका ना परिवार है ना बच्चे उसे कोई भी चिंता नहीं है। मतदाताओं के साथ साथ तमाम उत्तराखंड के सभी मतदाताओं का मैं आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने लिए एक पसंदीदा सरकार चुनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं जबकि पहले चरण का चुनाव पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परसों मतदान होना है, ऐसे में केंद्र में सत्ताधारी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बयान निश्चित रूप में लगता है कि वो तो विचलित है ही लेकिन वो भारत को भी विचलित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंगल सूत्र पर बात कही है, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज गांव में तमाम जगहों पर शादियाँ हो रही हैं लेकिन हमारा आम जो यहाँ का नागरिक है वो इस लायक नहीं रह गया है कि वो 75-80 हजार रुपए तोले का सोना खरीद सके। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया और 65 साल में सोना 30 हजार से ऊपर नहीं गया, 29 हजार से ऊपर नहीं गया और आपके 10 साल के कार्यकाल में सोना 76 हजार 78 हजार पहुंच गया। तो प्रधानमंत्री जी आपसे जनता जानना चाहती है कि सोना जो मंगलसूत्र पर नजर आपकी थी या कांग्रेस की थी? कांग्रेस ने एक आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो शादी में अपनी मंगेतर के लिए एक उम्दा मंगलसूत्र बना सके, इसलिए कीमतों को कंट्रोल रखा और आपकी नज़र उस पर भी है कि आज उस सोने की कीमत को आपने 80 हजार के करीब पहुंचा दिया और आप गरीब आदमी के हक को मार रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिससे कि जनता में दुराव पैदा हो सके। तो ये बिल्कुल सहनीय बयान नहीं है, ये शोभनीय बयान भी नहीं है, न ये सहनीय है न ये शोभनीय है। इसलिए ऐसे बयानों की हम घोर निंदा करते हैं और हम वादा करते हैं आम लोगों से कि आप कांग्रेस की सरकार लाएं। वाकई जो भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन चाहिए तो कांग्रेस को लाइए। धन्यवाद।